सब्जियों की कीमतों में अचानक आई गिरावट ने टमाटर किसानों को दुविधा में डाल दिया है। खेतों में टमाटर के दाम 3 रुपए प्रति किलो तक गिर जाने के बाद से किसानों को टमाटर कचड़े में फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के टमाटर किसानों ने लगातार बारिश और अनुकूल परिस्थितियों के कारण रिकॉर्ड उपज देखी, जिससे कीमतों में अचानक गिरावट आई। मई में टमाटर की कीमत 30 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन स्थानीय बाजारों में ये फिलहाल 12 रुपए प्रति किलो ही है, इसलिए किसानों को केवल 3 रुपए किलो ही दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, नंदी गांव के एक किसान के मुताबिक उन्हें अपने 5 एकड़ के खेतों में प्रतिदिन लगभग 60 किलोग्राम फसल मिल रही है। टमाटर की खेती करने के लिए लगभग 6 प्रति किलोग्राम खर्च होता है, लेकिन बिचौलियों केवल 3 प्रति किलोग्राम ही ऑफर कर रहे हैं। वहीं तोड़े हुए फलों सब्जियों का ट्रांसपोर्ट एक अलग कॉस्ट है। अब जो कीमत मिल रही है उसमें उनकी खेती की लागत नहीं निकल रही है, इसलिए किसानों ने टमाटर को मवेशियों के खाने के लिए डंप करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के टमाटर किसानों को लगातार बारिश और अनुकूल परिस्थितियों के कारण रिकॉर्ड फसल हुई है। इसके कारण कीमतों में अचानक गिरावट आई। मई में टमाटर की कीमत 30 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन स्थानीय बाजार में ये फिलहाल 12 रुपए प्रति किलो ही है, इसलिए किसानों को केवल 3 रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है। एक किसान ने कहा कि हम विरोध दर्ज करने के लिए बिना बिके टमाटरों को कचड़े के डब्बे में डाल रहे हैं। टमाटर को सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए कई किसानों ने मुख्य सड़कों पर स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है। ग्राहक भी सीधे किसानों से टमाटर खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। कृषि अधिकारियों के अनुसार कई किसान नुकसान को देखते हुए टमाटर की खेती बंद कर रहे हैं। इसके कारण त्योहार में यानी नवम्बर और दिसंबर में कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।